नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों, एक नई भर्ती लेकर आपके बीच फिर हाजिर हुए हैं। यदि आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसमें आज नेशनल जो प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 24 खाली पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। तो इसमें जो पोस्ट का नाम दिया है वो सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और जूनियर कंसल्टेंट। इसमें जो डेजिग्नेशन, खाली पोजीशन और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और सैलरी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें जो सीनियर कंसल्टेंट के लिए 4 खाली पोस्टें हैं और क्वालिफिकेशन इसके लिए मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट, ये आपकी डिग्री रहेगी। इसमें CA, CS, ICWA और LLB और एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ 15 साल रिलेवेंट जो वर्क है उसका 15 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। और इसमें जो सैलरी की बात करें तो 2.50 यानी 2,50,000 से 3,50,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद इन्होंने यहाँ कंसल्टेंट के लिए 11 पोस्टें रखी हैं और इसकी जो क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट, 10 से 15 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, 1.5 से 2 लाख आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद जो आगे इन्होंने अगली पोस्ट के बारे में जो दिया है वो दिया है इन्होंने सीनियर कंसल्टेंट जो लीगल, उसके लिए 1 खाली पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें LLB और LLM, 15 साल का एक्सपीरियंस, रिलेवेंट वर्क इन हैंडलिंग लीगल एंड कोर्ट मैटर्स, इनके बारे में आपका एक्सपीरियंस रहे मांगा है। और इसमें जो सैलरी 2.5 से 3.5 साल, 3 लाख इन्होंने सैलरी रखी है इस पोस्ट के लिए। और इसमें उसके बाद सीनियर कंसल्टेंट जो मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन, रिपोर्टिंग एंड सर्वे, इनके लिए मास्टर इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, ये क्वालिफिकेशन रहेंगी। और 15 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, मास्टर इन इकोनॉमिक्स सुपरवाइजिंग, इसमें एक्सपीरियंस आपका 15 साल का रहेगा। और 2.5 से 3.5 लाख रुपए आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद सीनियर कंसल्टेंट फाइनेंस एंड प्रोक्यूरमेंट, इसके लिए खाली पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट, 15 साल का आपका एक्सपीरियंस वर्क, 2.5 से 3.5 लाख रुपए आपकी सैलरी रहेगी। सीनियर कंसल्टेंट जो लॉजिस्टिक, उनके लिए खाली पोस्ट 1 है। मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट, 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस, 2.50,000 से 3,50,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद जो सीनियर कंसल्टेंट जो कम्युनिकेशन में, उनके लिए 1 खाली पोस्ट है। मास्टर डिग्री इसमें मास कम्युनिकेशन में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस, रिलेवेंट वर्क पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग सिस्टम प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल्स, ये आपके एक्सपीरियंस रहेंगे। 2.5 से 3.5 लाख रुपये आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद जूनियर कंसल्टेंट लीगल, इसमें क्वालिफिकेशन LLB और 5 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस, हैंडलिंग लीगल एंड कोर्ट मैटर, 1 से 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद इन्होंने जो जूनियर कंसल्टेंट सर्वे के लिए 2 खाली पोस्टें हैं। मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च और एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस रहेगा। 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी रहेगी। जूनियर कंसल्टेंट कम्युनिकेशन के लिए 1 खाली पोस्ट है और इसमें मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, 5 से 10 साल एक्सपीरियंस, 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी। इसके बाद इन्होंने जो यहाँ एज का जो क्राइटेरिया जो रखा है वो मैक्सिमम एज आपके लिए यहाँ रखी गई है। उसमें सीनियर कंसल्टेंट के लिए 45 साल, कंसल्टेंट के लिए 40 साल,
और जूनियर कंसल्टेंट के लिए 35 साल मैक्सिमम एज यहाँ इन्होंने इन पोस्टों के लिए रखी है। उसके बाद जो इन्होंने यहाँ एप्लीकेशन पर फॉर्मा जो ये दिया है, ये आपने वर्कर अपनी सारी डिटेल, तो उसके बाद उसमें फिर दिया है डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू पे आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो इसमें फिर ये दिया है ऑल द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू शैल ब्रिंग वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। इसमें आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन, अवार्ड, फोटो आईडी प्रूफ, या आपके जो इंटरव्यू रहेगा उसमें आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो भी चेक किए जाएंगे। जो फॉर्म के साथ आपने अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगानी हैं। उसके बाद जो इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट रहेगी उस पे जाके आपने ये अपने फॉर्म फिल करने हैं। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जो इन्होंने दी है वो रहेगी www.npcindia.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपने अपनी जो भी जानकारी है वो सारी इस पे मिलेंगे आपको। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो लिंक डाल देता हूँ वहाँ से अपनी सारी जानकारी जुटा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।